हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 5.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? फाइन, हमें फाइन क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टेंथ टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी का टेंथ टर्म निकालना है। इसका फर्स्ट नंबर देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे एपी दिया हुआ है 1, 4, 7, 10। ये हमारे पास ये एपी दिया हुआ है, एन टर्म तक, ऐसे आगे तक है। हमें क्या करना है? इसका टेंथ टर्म निकालना है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी या ऑफ द गिवन एपी, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि हो जाएगा 4 माइनस का 1, यानी 3 आ जाएगा। तो हमें टेंथ टर्म निकालना है इसका। तो टेंथ टर्म क्या होगा? टेंथ टर्म क्या होगा यहाँ पर? टेंथ टर्म, तो टेंथ टर्म हो जाएगा a प्लस का 9d कर देंगे, या फिर आप फॉर्मूला जो जानते हैं जनरल टर्म वाला, उसको भी लगा सकते हैं। एक ही बात होगी, एन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना जी। तो अगर यहाँ 10 रखेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 9d ही ना हो जाएगा जी। चलिए, तो a का वैल्यू है 1, 9 इंटू डी का वैल्यू है 3, यानी कि 1 प्लस का 27 आ जाएगा 28। समझ गए? चलिए, अब इसका हम लोग सेकेंड